हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देवांश बिगनर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज जो है, आज का वीडियो होने वाला है एक रिव्यू पे। जी हाँ, रिव्यू पे। सो मेरा है जो रिव्यू, वो है बेबी वाइप्स का। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ। एंड ये बेबी वाइप्स है पिरामिल का, ब्रांड है पिरामिल, आप सब जानते होंगे, ऑल्सो सभी लोग जानते ही होंगे। तो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही थी अपने डॉटर के लिए। जो मेरी डॉटर है वो 3 साल की होने वाली है, उसी के लिए। सो मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी इसका रिव्यू शेयर किया जाए, क्या पता किसी को हेल्प हो जाए। सो जो अभी तक नहीं यूज़ किए हैं उनको अगर अच्छा लगा तो वो भी यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, ये क्या क्लेम करता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सो ये मैं फ्रंट कैमरे से दिखाऊंगी तो आपको उल्टा दिखेगा, पर देखिए ये पिरामिल्स ब्रांड का है। ये लिटल्स लिखा हुआ है, सॉफ्ट क्लिनजिंग बेबी वाइप्स। एंड ये इसमें ऐसा लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा थिक एंड एक्स्ट्रा मॉइस्ट फॉर योर बेबी टेंडर स्किन। ये आपके बेबी के स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। एंड इसमें क्या क्या मिला हुआ है इस वाइप्स में, तो इसमें एलोवेरा है, जोजोबा ऑयल जो कि काफ़ी अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, वो है विटामिन ई, जो विटामिन ई भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बेनिफिट्स है हमारे स्किन के लिए, तो इसमें वो भी मिला हुआ है, मोर गुडनेस। एंड इसमें आपको 80 वाइप्स मिल जाएगा, 80 वाइप्स इसमें आपको मिल जाएंगे। एंड यहाँ इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी ही आती है। एंड देन यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये अल्कोहल फ्री है एंड क्लिनिकली टेस्टेड है, पैराबिन फ्री है, पीएच बैलेंस है। एंड देन आपको यहाँ पे इसके फीचर्स मिल जाएंगे, इसके डायरेक्शन। सो इसके डायरेक्शन में यही लिखा हुआ है कि आप जहाँ पे आपको ओपन द लिड, इसकी जो ये लिड है, ये का मुझे सबसे अच्छा इसका यही लगता है, इसका लिड, क्योंकि ऑल वाइप्स के ऐसे स्टिकर जो लगे होते हैं उसको निकालो एंड देन अगर वो फिर से चिपकता नहीं है ना, तो वाइप्स क्या होते हैं कि सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो फिर वो अच्छा नहीं होता। तो इसकी ये पैकेजिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एंड देन इसका आपको ऐसे लिड ओपन करना है एंड देन ये ऐसा कुछ स्टिकर लगा रहता है, सो आपको इसको ओपन करना है, देन आपको वाइप्स निकालने हैं। मैं आपको एक वाइप्स निकाल के भी दिखा देती हूँ। सो ये वाइप्स है एंड देन आपको फिर से ये लिड लगाना है एंड देन आपको ये बंद कर देना है, इससे आपके जो वाइप्स होंगे वो ड्राई भी नहीं होंगे। सो ये कुछ इस तरीके का वाइप्स है, काफ़ी अच्छा थिकनेस है एंड काफ़ी सॉफ्ट है, और आप अच्छे से इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड देन सो गाइस, इसमें जो ये डायरेक्शन ऑफ फॉर यूज़ लिखा है, उसमें यही लिखा हुआ है कि आपको कैसे लिड को ओपन करना है, देन ये आपको स्टिकर है, इसको ओपन करना है, देन आपको वाइप्स निकालना है, फिर ये लिड लगाना है एंड देन ये बंद कर देना है। सो ये डायरेक्शंस भी दिया हुआ है और कॉशन भी दिया हुआ है, अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ आइस, जो भी बेबी की आइस होती है वहाँ पर ये ना जाए, अवॉइड चिल्ड्रेन च्यूइंग और स्वेलिंग वाइप्स, बच्चे मुंह में ना डालें। हाँ, डायरेक्ट सनलाइट, मतलब आपको कहीं धूप की जहाँ धूप है वहाँ पे इसे नहीं रखना, ठंडी जगह पे रखना है। तो आप नॉर्मल, मैं तो हमेशा इसको अपने ड्रेसिंग टेबल पे ही रखती हूँ, सो आप वहाँ पे रख सकते हैं। सो इसकी सेल्फ लाइफ भी काफ़ी अच्छा है, मैंने काफ़ी टाइम लिया था तो ये 9/22 में बना था एंड 8/24 तक इसकी सेल्फ लाइफ ख़त्म होने वाली है। और ये यहाँ पर थोड़ा सा इसका प्राइस मिट गया है, शायद ये 220 या 280 ऐसे ही समथिंग है, क्योंकि थोड़ा सा मिसिंग है। सो ऐसे ही आपको मिल जाएगा। एंड इसका नेट कंटेंट जो है वो 80N है और वाइप साइज़ है 15 cm x 20 cm। तो मुझे काफ़ी अच्छा वाइप्स लगा। अगर आपको भी ये वाइप्स पसंद आता है तो मेक श्योर आप ले सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और प्लीज़ हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, ये आपको लोकल मार्केट पर भी मिल जाएगा एंड ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो गाइस बाय।